बीबी जी किन सोचो में घूम में? ये केस वाला फितना ना खड़ा हुआ होता तो इस वक्त चैन से लंदन घूम रहे होते हम लोग। इस दफा तो आप मुझे भी लेकर जाएंगी, आपने कहा था। हाँ हाँ ले जाऊंगी, पहले यह जाप तो सर से टले। वो तो टल ही जाएगा, बस आपने जो बात नफीसा बीबी को की थी ना उस पे कायम रहिएगा। कौन सी बात? वही एहसान चुकाने वाली। पीर मुराद नफीसा बीबी की इस टाइम कोई बात टाल नहीं सकते। समझ रही हूं। खैर मुझे नींद की गोली दो और जब तक मुराद साहब ना आए मुझे मत जगाना। जी अभी देती हूं। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, बड़ी मौके की गजल लगाई है माई साहब आपने। रंजिश ही सही, और तू दिल दुखाने के लिए आ भी गई है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत फिक्रमंद हो रही थी कि आप सब लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे। हाय हाय, हमें क्या जरूरत है अपनी जबान नापाक करने की। मैं फिर दोस्त से मिलके आती हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि आपसे मिलकर ये क्लियर कर दूं कि मेरा इस मामले से ना पहले कोई ताल्लुक था और ना अब कोई होगा। जानती हूँ, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दोस्त दुश्मन की पहचान हो जाती है। जाओ भाई चाय का इंतजाम करो। जी माई सर। रुको, अब इसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा रानी से एक बार तुझे मिलवा ही दूं। वो क्यों? बताया तो था मैंने तुझे। तो पीर नादिर शाह ने ना बिलाल को बुलाया था हवेली, यही कोई शादी से 2-4 दिन पहले। और ये समझ रही है हम लोग ये सब कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं? पैसा ना बड़े बड़ों का ईमान बदल देता है रानी। और तेरे से शादी करके उसे मिलना क्या था? वो तो पीर नादिर शाह की नीयत खराब होगी और उसने बिलाल को 25 लाख रुपए का चेक दिया। फिर तूने क्या फैसला किया? भाई फैसला तो बड़ा मुश्किल था। 14 खूबसूरत लड़कियों में से 4 की सिलेक्शन, ज्यादती है ना। अब इंसान 14 इंजेक्शन लगवा सकता है तो 14 शादियां क्यों नहीं कर सकता? पकड़ अपनी 14 बीवियां। अरे सुन रानी सुन, तो पता है ये तस्वीरें मैंने क्यों संभाल के रखी थी? क्यों? अब अम्मा अब्बा के मुंह पे तो नहीं मार सकता ना तस्वीरें, लेकिन पता मेरा जवाब क्या था? मैंने कहा था सबसे हसीन लड़की से शादी करूंगा। ये सब खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन हसीन तो सिर्फ रानी है। माई सर, अगर मेरे दिल में कुछ होता तो अब ना जाने क्या क्या पहाड़ ढा चुकी होती हम पर। ये हवेली और हमारे ढांचे
हजारों साल बाद दरियाफ्त होते मोहनजोदड़ो की तरह। आपकी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। हैं? कौन सी अदा? वो क्या गंवा गए हैं नासिर काजमी साहब, पीजा याम की तलखी को भी हंस कर नासिर। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है भाई। बड़ा अच्छा जौक है तुम्हारा। जी बस गलत घर में पैदा हो गई। ठीक कह रही हो। अगर नफीसा की जगह तुम होती ना तो हमारी और तुम्हारी खूब गुजरती। अब माई साहब इजाजत दीजिए। शुक्रिया। और तुमने हवा तक नहीं लगने दी इस बात की। तुम आओ तब खबर लेती हूं तुम्हारी। और तेरे से शादी करके उसे मिलना क्या था? वो तो पीर नादिर शाह की नीयत खराब हो गई और उसने बिलाल को 25 लाख रुपए का चेक दिया। 25 लाख रुपए का चेक दिया। 25 लाख रुपए का चेक दिया। बिस्मिल्लाह सरकार। तुम चलो मैं आता हूं। माँ जी मैं कोई जंग थोड़ी जीत के आया हूँ जिसके लिए इतना प्रोटोकॉल मिल रहा मुझे। अरे बेटा जंग जीतने जैसा ही है। अगर मुझे सुबह पता होता कि मेरी सारी की सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी और वो कमबख्त पुलिस वाला अपनी जबान से फिर जाएगा तो मुझे तो हार्ट अटैक ही हो चुका होता। पर तुमने हिम्मत नहीं हारी, ऐसा ध्रुव का पता निकाला ऐन मौके पर। अच्छा वो कहाँ है सेलफोन? लाओ निकालो दिखाओ मुझे। ये लीजिए। मेरी तो तूने एक नहीं सुनी और मैंने भी तुझे इसलिए नहीं रोका कि कहीं तुझे ये ना लगे कि मैं तेरी खुशियों के रास्ते में आ रही हूं। एक बार मुझे पता लग जाए कि वो जलील है कौन, फिर देखना मैं उसे जबा करके उसका खून पी जाऊंगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं इस बात पर हंसूं या रोऊं। आप दोनों ने मिलकर तो तुमने कौन सा बताया राज जो तुम कारनामा करके आई हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अम्मी। लेकिन लेकिन ये वीडियो मुराद के पास आई कैसे? तुम आम खाओ पेड़ मत गिनो। चांदी जाओ रानी को बुलाकर लाओ। वो किस लिए? सवाल मत करो बस देखते जाओ। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ। अम्मी जरा मैं किचन का चक्कर लगा लूं फिर आती हूँ आपके पास।
अभी तो मैंने मुराद की पूरी कहानी नहीं सुनी। इस वीडियो ने मुझे इतना एक्साइट कर दिया कि बस मैं तो सब कुछ भूल ही गई। आती हूँ अभी। रानी जल्दी चलो, माई साहब ने बुलाया है। अरे तस्वीर नहीं है, वीडियो है। फिरदौस चला के दे इसे। वो अब्बा ने बताया कि आपके पास मेरे लिए कोई स्पेशल फ्यूचर प्लान है। प्लान तो बहुत छोटी चीज है, और हम तो अलादीन के चिराग के जिन हैं। जो भी चाहोगे ना, चुटकी बजाते ही हाजिर कर देंगे। और इसकी एक शर्त है। और वो क्या है? रानी को छोड़ना होगा। फिरदौस पीछे जा। बड़ी अम्मी, मैंने आपसे मना किया था कि उसे ये वीडियो मत दिखाइएगा। अभी कुछ मत पूछ।
रानी, रानी चल चल उठ, शाबाश उठ जा। मैं नहीं जाऊंगी। चल ना, चली होगी ये। चल आ। नहीं जाना मुझे के। मैं नहीं जाऊंगी। आ ना तू, आ ना। लेकिन बड़ी अम्मी ये पूरा सच नहीं है। अगर आधे सच से एक पूरा रिश्ता बचाया जा सकता हो तो उससे बड़ा सच कोई नहीं है। क्या सच है क्या झूठ, क्या सच है क्या झूठ है, क्या झूठ है क्या सच है? कोई नहीं जानता, नहीं जानता। यहाँ कौन कौन देखता है? हमें हर सच्चाई तब तक अच्छी लगती है जब तक पीरी पुणा करती है, पीरी पुणा मेरे साथ है, पीरी पुणा करती है। पर ये ना भूले जो हाथ पैर छू सकते, पैर छू सकते तो प्लीज पैर खींच भी सकते। सरकार सरकार मेरी कोई गलती नहीं सरकार, सरकार आप भले मेरा मोबाइल देख रहे हैं सरकार, मेरी कोई गलती नहीं सरकार। बेवकूफ समझता है मुझे, मोबाइल से वीडियो डिलीट भी तो हो सकती है। नहीं सरकार, सरकार बोल के चले जा बेकार तू। सरकार मैं आपका, सरकार मैं आपका वफादार सरकार, सरकार सरकार सरकार।
आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं आपको शहर बेच रहा हूँ। जी मैं तो वापस जाने की सोच रहा था। नहीं, नहीं तुम अभी नहीं जा सकते, शाह मुराद इस वक्त आपे से बाहर हुआ हुआ है, उसने पुलिस को पैसे खिलाए, वो बंदेली इंस्पेक्टर वो पड़ा है, वो पड़ा है। जब इसने कहा कि सच्चाई का साथ दूंगा तो शाह मुराद ने बंदे भेजकर इसे मारने की कोशिश की। वो तो बहू जी ने इसे ताकीद की थी कि दरबार के आसपास रहना तेरी जान को खतरा है, इसीलिए बच गया। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे तो साए तक नहीं पहुंच सकता वो। रानी कहाँ चली गई है? रानी को कहीं देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। रानी, रानी तो फिर यहां आ गई है? मैं इसी लायक हूं। देख रानी, अपने हर काम से हवेली वालों को यह एहसास ना दिला कि तेरी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं फिरदौस, अभी तो मुझे एहसास हुआ अपनी हैसियत का। अभी तो मैंने जाना कि मैं कितनी खुदगर्ज थी। कहां का दस्तूर है कि तू अपने आप को सजा भी खुद ही देगी? बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। भूल जाओ कि हमारी जिंदगियों में कोई और भी है। फर्ज करो अगर कोई है भी तो उससे हमारे रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें खौफ किस बात का है, डर किस बात का? यही ना मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी या कोई और बात है? नहीं पापा, लेकिन मामा, जब तुम्हारी मामा से मेरी शादी हुई थी तो तब मेरी मामा को यह लगा था कि मैं उनसे शायद दूर हो जाऊंगा, और आज इस बात को 20 साल गुजर चुके हैं और हम सब साथ हैं बेटा, खुश हैं, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी यही चीज, ये सोच ही है जो रिश्तों को इफेक्ट करती है। बेटा किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को समझ जाओगी। टेक केयर। ठीक है, ओके पापा।
हेलो, फिरदौस में रेहाना बात कर रही हूँ। खुशबू बता रही है आज निहारी बहुत अच्छी पक्की है, लेकिन आपको निहारी नहीं मिलेगी। वैसे अम्मी जान, मैं तो इतनी खुश हूं कि मुझे तो आज जहर भी मीठा लगेगा। बहुत बड़ी बला टली है तो काले बकरे का सदका दूंगी। अरे बेचारे काले बकरे की जान के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें तो 1200 नफलों की मन्नत माननी चाहिए ताकि खून के साथ अकल भी ताजा हो जाए। इशरत का फोन आया था, बता रही थी कि मुराद आया रिमशा को लेने। जेबा की फरमाइश है ना, 2 दिन और रहने दे, पीर को जा रही है ना वापस। उसे क्या बनी, सुबह सुबह चला गया। खैर, अरे रानी वहां क्यों खड़ी हो, इधर आके बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं जी, आप लोग शुरू करें, मैं बाद में खा लूंगी। अगर मुझे नहीं पता था तो तुम मुझे नहीं बता सकती थी, फोन ही नहीं तो एक टैक्सी कर देती। लेकिन अच्छा भला समझा के भेजा था कि खैर तुम कहीं मत जाना, वहीं रहना, मैं वहां आ रही हूं और फिर हम शहर जा रहे हैं। जब तक हाथ पकड़कर इसे काम ना कराओ कुछ नहीं करती ये लड़की। क्या बात है बीबी, सरकार से कोई काम है क्या? जी वो मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे क्या, आपके दिल में कोई मुराद नहीं है क्या? जी तो फिर कैसे ही बेटा? मुंशी साहब, कौन थी मुंशी सर? दुआ के लिए आई थी सरकार। Chicago.
मैं कल वापस आ जाऊंगी, तुम यहीं रुकोगी। तो फिर उधर आपके पास कौन होगा? मैं इशरत आंटी के घर से किसी को भी ले जाऊंगी, तुम यहां नजर रखोगी। मैं जरा रिमशा की तबीयत ठीक करती हूँ। फिरदौस, इस तरह की मुकदमेबाजी में इंसान कुछ खोता ही है। हार जीत एक हद तक मायने रखती है। इंसान का ज़हनी सुकून, उसका वक्त, उसकी साख, कितना कुछ दांव पे लगा होता है, लेकिन उसे वापस नहीं लुटाया जा सकता। सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम। हवेली गई थी क्या? नतीजा? शुक्र मना रहे वो, उनके पास कोई तुरप का पत्ता था जिसने उनका घर का सुकून गलत होने से बचा लिया। माँ जी एक बार मेरे कहने पे चली जाएं। वो क्यों? ये जानने के लिए कि ये हरकत किसने की है। भले होए ना, उल्टी सीधी हरकतें तू करे और माफिया मांगू मैं। अरे माँ जी, माफी मांगने को कौन कह रहा है? अब बात एक ही है। फिकर नाट माँ जी, फिकर नाट। Shafa